हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये टॉपिक है तो आपका इंग्लिश सेकंड पेपर का, बट तो कुछ लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है थी, तो मैंने ये अलग से एक वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है। व्हाट इज़ एन FIR? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है कि जो कि आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर किया जाता है पुलिस के थ्रू जब उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन किस टाइप की? कुछ संज्ञेय अपराध के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, कोई पर्टिकुलर घटना घटी है। घटना किस टाइप की? कुछ क्राइम हुआ है, ठीक है, किसी मारपीट हुई है, कुछ मर्डर हुआ है, कुछ भी क्राइम हुआ है। तो कोई किसी कोई पर्सन है जिसने ये क्राइम देखा है या उसके साथ हुआ या उसके रिलेशन का कोई पर्सन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, और सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करता है बल्कि रिटन में जो FIR का प्रोसीजर है वो फॉलो वो फुलफ़िल करवाता है। तो वो जो रिटन लिखवाता है, एक तरीके का कंप्लेन देता है, कंप्लेन करवाता है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। ये जो इवेंट हुआ है इस इवेंट के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा होता है और रिटन वे में उसको सारी चीज़ें रिटन वे में लिखवाता है। तो इस ये रिटन जो फाइल ये डॉक्यूमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी किसी घटना के लिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन देना पुलिस को, सबसे पहले हम सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो पुलिस को ही देते हैं। तो पुलिस क्या करता है, कुछ एक फाइल होती है इस तरीके से FIR की, उस फाइल में उस घटना की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है इसी को हम बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जिसके थ्रू जो है पुलिस उस घटना पर सबसे पहले पहुंचता है। तो इस रिपोर्ट को हम कहते हैं FIR। इट इज़ जनरली अ कंप्लेंट लॉज विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन होता है संज्ञेय अपराध, और बाय समवन ऑन हिज और हर बिहाफ, ठीक है। तो ये जो है दर्ज कर सकता है पुलिस, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू भी दर्ज कर सकता है। एनी वन कैन रिपोर्ट द कमीशन ऑफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आइदर ओरली और इन रिटन टू द पुलिस। कोई भी दर्ज करवा सकता है FIR जो भी उस घटना के लिए में प्रेजेंट था, या अगर किसी के रिलेशन में है तो वो भी दर्ज करवा सकता है। ओरली भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्म कर सकता है, और अदरवाइज जो मैसेज होते हैं मैसेज के थ्रू भी आप FIR कर सकते हैं, ठीक है। तो ये FIR कौन कौन कर सकता है। नेक्स्ट है हु कैन लॉज एन FIR। लॉज मीन्स होता है दर्ज करना, ठीक है। दर्ज तो कौन कौन FIR आप दर्ज कर सकता है। एनी वन हु नोज़ अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, यानी कि उस संगनी अपराध के बारे में जो भी पर्सन जो भी पीपल जानता है तो वो फाइल कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड फाइल एन FIR। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है यानी कि जो पीड़ित है जिसके साथ कुछ घटना हुई है वही FIR दर्ज करे। FIR कोई भी दर्ज कर सकता है जो कि उस घटना में प्रेजेंट था या उसके बारे में जानता हो। अ पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR। यहाँ तक कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो पर्टिकुलर घटना पर पहुँचते हैं वो खुद भी FIR लिख सकते हैं, FIR बना सकते हैं। यू कैन अगर हम आप भी FIR बना सकते हैं अगर यू आर द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, ठीक है। अगर आप ने चीज़ें देखी है या सुनी है या आप उस चीज़ का कमिटमेंट कर सकते हैं। यू नो योर सेल्फ अबाउट एन ऑफेंस विच हैज़ बीन कमिटेड, यू हैव सीन द ऑफेंस बीन अगेन कमिटेड, ठीक है। तो हम आप भी कर सकते हैं FIR, रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू मेंशन इन द रिपोर्ट इन द FIR। FIR में क्या क्या मेंशन किया जाता है? तो FIR में नेम और एड्रेस मेंशन किया जाता है, नेम एड्रेस। नेक्स्ट है डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट यू आर रिपोर्टिंग। जो FIR लिख रहा है उसका नाम एंड एड्रेस। नेक्स्ट है किस डेट को वो घटना घटी, किस टाइम हुआ, किस लोकेशन पर, कहाँ किस प्लेस पर वो घटना घटी है। नेक्स्ट है द ट्रू फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट एज दे अकर्ड। और ट्रू फैक्ट एक्चुअल में क्या चीज़ें हुई हैं वो फैक्ट पूरी एक शॉर्ट ब्रीफ रिपोर्ट लिखी जाती है। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, जो भी पर्सन वहाँ पर इन्वॉल्व था वो लिखा जाता है।
नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर एन FIR इज़ अगेंस्ट लॉ। अगर आप FIR लिखने से मना करते हैं तो आपका मतलब है कि आप लॉ के अगेंस्ट हैं, आपको FIR लिखना है, आप यानी कि पुलिस को FIR लिखना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ FIR, क्या बेनिफिट्स है अगर आप FIR लिखते हैं तो इसका क्या, अगर आप जल्दी FIR लिखवा देते हैं यानी घटना घटी और तुरंत ही आपने FIR लिखवा दिया है तो इसके क्या बेनिफिट है। द अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ FIR हेल्प्स इन द अरेस्ट ऑफ द रियल ऑफेंडर्स, यानी कि जो रियल अपराधी है उसको आप अरेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो वो ऑन द स्पॉट उसको सज़ा मिल सकती है, वो अरेस्ट हो सकता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ द क्राइम, और अगर आप जल्दी FIR लिखवाते हैं कि जो एविडेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है तो उसके बारे में जो भी सुराग है उसको पुलिस को कलेक्ट करने में हेल्प होती है। द वर्जन गिवन इन द FIR रिकॉर्डेड विदाउट अनड्यू डिले इज़ कंसीडर्ड मोर रिलायबल, जाहिर सी बात है ऑन द स्पॉट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑन द स्पॉट तो आप ज़्यादा रिलायबल मानेंगे, अगर आप 2 दिन के बाद उसी घटना के लिए FIR लिखवाते हैं तो वो रिलायबल नहीं होगी, यानी कि भरोसे लायक नहीं होगी वो, कि क्या पता ऐसा हुआ है या नहीं, किसी कोई कहानी बता रहा है, तो उसमें रियलिटी का इशू रहता है। द रीज़न फॉर डिले शुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन द FIR, और FIR में जो अगर आपसे डिले हो गया है FIR लिखवाने में तो उसके लिए आपको रीज़न भी देना होता है कि क्यों FIR आपने डिले लिखवाई है या थोड़ी देर के बाद लिखवाई है, तो उसका आपको इशू भी बताना पड़ता है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।